अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ जामिद, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और चीनू और अम्मी कर रहे हैं काम। मैं मेरा काम पूरा कर आ गई, सारे बाहर के सामान लेकर आ गई, सब कुछ लेकर आ गई, इफ्तारी लेकर आ गई, और चीनू कर रही हैं मीठा बना रही हैं, अम्मी बना रहे हैं सालन की, फातिहा होने वाली है। और मेरे को चाहिए था कि मैं घर को पूरा लाइटिंग करवाऊं, तो फाइनली ये बहुत ही लेट आया, और बट आ गया मगरिब से पहले, असर में ही आ गया। तो अभी घर के बाहर पूरी मैं लगा रही हूँ लाइट, पूरा घर सजा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आज शबे बारात है, तो हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ दी हो, या किसी को हमारी कोई बात बुरी लग गई हो, तो उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं, दिल से हमें माफ़ करना। और कहते ना, ये साल मतलब शबे बारात के वक्त पत्ता झड़ता है ना चीरो, बराबर ना? तो पता नहीं अगले साल कौन हो कौन नहीं हो, दिल से माफ़ी, और हो सके तो सब अच्छे से इस चीज़ को मनाएं, नमाज़ पढ़ें, जितना हो सके नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, और हम भी करेंगे, हम भी आपको बताएंगे। तो बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द। चीनू स्टार्ट करेगी, अभी मैं बताऊँगी कि पूरा वायरिंग लाइटिंग आ गई है, जो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते थोड़ी देर बाद। मैं भूल गई तो मैंने तो मेरा आउटफिट नहीं बताया, मैंने बहुत सिंपल कॉटन का वाइट कलर का फुल लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ है, उसके नीचे पैंट पहनी हुई है। जब चीनू आएगी तो वो पूरा मेरे को बताएगी कि मैंने क्या पहना क्या नहीं पहना, और वो भी सेम टू सेम एज़ यूजल, सेम टू सेम। और अभी हो गया असर मगरिब का टाइम, असर का टाइम हुआ है अभी, तो थोड़ी देर बाद। ये देखो मैंने रवा बना दी, रवा हमारा पूरा खाना भी रेडी हो गया है, इसमें बन रहा है गोश्त का सालन, और रवा मैंने बना दी माशाल्लाह। इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं भी काम ही कर रही हूँ, आंटी भी काम कर, और हमारा है रोजा माशाल्लाह, है ना? तो चलो अभी थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर मिलती हूँ आप लोगों को, है ना? ये देखो कहाँ ऊपर चढ़ा है, देखो, है ना? रुको मैं दिखाती हूँ। कैसे बोल, क्या बोल रहा? अच्छे से सजा, हाँ लटक जा, अच्छे से सजा, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, और आज ब्लॉग तो जाने स्टार्ट की है ना? तो मैंने अभी स्टार्ट की क्योंकि मेरा काम अभी हुआ। तो सबसे पहले जामिन की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी रात बहुत मुबारक हो। अगर हमारी पूरी फैमिली की तरफ से या मेरे से हमारी फैमिली की तरफ से अगर कुछ भी गलती होगी तो माफ़ करना, है ना? क्योंकि आज बड़ी रात है, तो छोटों से बड़ों से सबसे माफ़ी मांगते, तो कुछ भी हमसे खता होगी, किसी का दिल दुखा होगा, तो उसके लिए माफ़ी, और आप लोग माफ़ करना हम लोगों को, छोटा समझ के बड़ा समझ के, है ना? तो आज माशाल्लाह हमारे नए घर में सबसे पहला त्यौहार हमारा हो रहा है बड़ी रात, शबे बारात माशाल्लाह, है ना? और माशाल्लाह जब से उठे हम लोग, क्योंकि हम लोग आज ये रोज़ा, मैं आंटी जाना, हम लोग रोज़ा सैलून भी बंद कर दी हम लोग ने शाम में, तो मैंने बनाई गोश्त का सालन, चावल और मीठा रवा, है ना? तो बाहर सब सजावट हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी रात है, तो ना बीजिए ना। और आज मैंने जाना है, मैंने एकदम सेम पहनी हूँ, सिर्फ मेरा इतना कि मेरा येलो येलो है, तो देखो मैंने एकदम मैचिंग इयर रिंग, और ये मैंने पहना है येलो एंड वाइट। चलो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, ना? तो बाहर सब काम चल रहा है, ये देखो। और कौन कर रहा है ये हम लोग को, ये हम लोग बताएंगे आप लोग को ब्लॉग में, है ना?
तो कैसा लग रहा है मेरा इयररिंग, द मैचिंग, जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इस ये त्योहार को भी हम लोग ईद जैसा ही मनाते हैं ना जाना, आ जाना, ईद जैसा, ईद ही है। चलो जरा देखते बाहर, एक नजर मारते क्या चल रहा है। और रोजा रख के माशाल्लाह पूरा काम भी फटाफट हो गया, खाना वाना भी सब पक गया हमारा। तो जाना ने ब्लॉग स्टार्ट की थी और चीनू अभी आई है ना जाना। हम लोग आए थे लोबान लेने, और लोबान नानी हमारे घर पे तो सब रहता है, अजमेर भी आए तो हम लेकर आते, पर अभी सामान के चक्कर में यावा हो गया है सब, तो अभी ले लिए है ना ना, लोबान लिए और अभी लोबान दानी लेंगे, यासीन भी लिए यासीन है ना। तो चलो फटाफट लेते फिर चलते घर के, फिर पढ़ने का भी कुछ बताएंगे आपको है ना। ले लिए फूल क्योंकि हम लोग को घर पे लगाना है, है ना, तो हम लोग घर पे लगाना है माशाल्लाह। कहाँ लगाएंगे बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग लगाने लेके आए हार, क्योंकि फूल आज सब खत्म हो गए, यहाँ आंटी भी रेडी हो गए, और एक हार इधर लगेगा। अभी हम लोग ने ऑर्डर नहीं दिए थे क्योंकि हाँ बाहर तो लाइटिंग लाइटिंग किया है अबू भाई ने थोड़ा शर्माता है वो, 7 नंबर पे बहुत अच्छा डेकोरेशन करता है, सब चीज बहुत अच्छी करता है। कौन सा प्लॉट नंबर 79। जितने भी हमारे मालवनी में जो देखते हैं हमारे ब्लॉग, इनको फटाफट ऑर्डर देना, इनका नंबर हम लोग हाँ मेंशन कर देंगे। और माशाल्लाह 1 घंटे में उसने अरेंजमेंट किया सब, और अबू 7 नंबर पे रहता है, फटाफट उसको ऑर्डर दो। अभी इससे हम लोग और भी काम कराने वाले हैं, जो हमारा काम थोड़ा बहुत बाकी है घर का है ना, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, बताती हूँ मैं आप लोगों को। चलो बाहर हम लोग बैठे हैं क्योंकि वो जो घर डेकोरेशन किया था, अभी हम लोग को लाइट दिखानी है, पर अभी थोड़ा सा उजाला है तो थोड़ा सा अंधेरा होगा, तो मैं दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा उसने किया, लाइटिंग लगाया है, और अभी जाना सब लोबान जला रही है, और जो 41 मरतबा पढ़ना रहता है लाहौर वाला को था, वो हम लोग लाहौर भी भेज दिए, जो आसमान को देख कर पढ़ना रहता है, तो हम लोगों ने पढ़ लिए माशाल्लाह। अभी 6 रकात नमाज पढ़नी है, पहला रोज़ा खोलेंगे, फिर हम लोग 6 रकात नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद हो गए फारिग है ना, क्योंकि जब से उठे तो हम लोग काम में ही बिजी है। देखो पूरे घर में गुलाब पानी है ना, ऊपर नीचे सब जगह माशाल्लाह, वहाँ भी ऊपर भी। अभी लोबान हो रहा है, और सब जितने भी मरहूम मरते हैं उन सब के नाम से हमें लोबान भी लोबान डालना है ना आंटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ आएंगे सबको शबे बरात मुबारक हो, और आज मुर्दों की ईद है, रोजा भी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में लोबान लोबान जैसा चाहिए था वैसे ही लोबान हो रहा माशाल्लाह। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। चिनू पर माशाल्लाह, खानदान में जितने भी खानदान के हैं ये जा चुके हैं, आ जाएंगे खुश होके जाएंगे। ऊपर छीनो, इधर इधर छीनो, इधर इधर मम्मा ते मम्मा हाँ जाओ, सब पे डाले, सब पे डाले हमने सारा छीनो भी ऊपर जा रही है पूरे घर में माशाल्लाह। खुशबू खुशबू ना अम्मी पूरे घर में, क्या हुआ भी फ्रूट कट हो रहा है ना। अभी पर्दे वाला जस्ट आया, पर्दे देखकर कैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत हमारा काम बाकी है घर का है ना, अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन अभी क्या करेंगे, आज तो कुछ काम होगा नहीं, तो पर्दे रख कर गया है। यहाँ पे सारा फूड कट हो रहा है, मम्मी कर रहे हैं फातिया, मम्मी दिला रहे फातिया,
उनकी ग्लास की पानी का ग्लास रखो, फादर दिखा देना कहाँ था सर। हाँ तो माशाल्लाह की फादर दिखा अल्लाह। अभी पाते बैठे सब दिख सकते आप लोग है ना, माशाल्लाह। क्या देवी माशाल्लाह। तो हमारे घर की फाते अभी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो रवा बांटेंगे हम लोग हमारे पड़ोसी लोग को है ना, माशाल्लाह। आंटी लिए तुम रवा बांट रहे हम लोग हमारे सोसाइटी में, सोसाइटी हाँ। सोसाइटी में रवा बांट रहे। और आज हम लोग ने शलवार कमीज नहीं पहने, मैंने पहने शर्ट लूज वाला लॉन्ग टी शर्ट शर्ट पैंट्स है ना। और इस पे मैचिंग मैंने अलग से येलो दुपट्टा, मेरा तो चीनो ने दिखा मैचिंग मैचिंग है ना गाइस। ये देखो ये देखो देखो देखे। चलो फिर बांट बांट कर आती फिर मैं तेरे जाने पर लेके जाना, बांटो इसको बंद तो करो। ये देखो गाइस मस्त में लाइटिंग है ना। हम लोग निकले घर से बाहर ऐसे ही राउंड लगाने नहीं जाना, राउंड भी लगाने और जाना कुछ चाहिए, मुझे कुछ खाने चाहिए। घर में बना ना इतना सारा लेकिन फिर भी जाना को बाहर का चाहिए। यस चलो अभी देखते हैं क्या लेते हैं है ना, कहाँ जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे हम लोग को। थोड़ा सा आप लोग भी नज़ारा करो हम लोग भी करते हैं। गाय फूल लेने के लिए यहाँ पर है ना, है के लिए फूल है, गुलाब पानी और इतर है। अभी हम लोग देंगे किसी के हाथ से, मतलब हमारे भाई जा रहे हैं अभी वो लेकर जाएंगे है ना। अभी तकसीम होने जा रहे है ना नाना। ये भाई भी लेकर जाएंगे। देखो कितनी रौनक है ना ना कब्रिस्तान के पास, कितनी गर्दी है। यहाँ पे फूल मिल रहे हैं, फूल उल सब। देखो कब्रिस्तान माशाल्लाह सच में यार, कितनी रश है, देखो कितनी रश है, कितनी रश है। फाइनली अभी हम लोग को ये स्टॉल मिला, तवा पुलाव खा रहा था जाना को, बाकी सारी होटल्स बंद हो गई और घर पे खाना बना है फिर भी, लेकिन इसको बाहर का खाना है तवा पुलाव। तो अभी ये भाई बना के देंगे 10 मिनट में, इनका स्टॉल है ना ना। चल हम लोग दरगाह ही पहुंच गए, हम लोग की नियत भी थी दरगाह आने के है ना माशाल्लाह। तो हम लोग आगे घर पे, हम लोग अभी आए और इतनी ठंडी है बाहर जिसकी कोई हद नहीं। और आप लोग सोच रहे कि हम लोग फूल गुलाब पानी इतर हम लोग थैली में लिए तो हम लोग कहाँ गए थे, तो हम लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे क्योंकि हम लोग को देना था सलामी और दरगाह भी जाने थे। और फिर हमारे एक भाई मिल गए तो हम लोग उनके हाथ से तस्कीम क्या बोलते हैं तकसीम कर दिए है ना। हम लोग की नियत भी थी और आप लोग देखो कैसा है कि लड़की आए मेन बात है ना। तो भाई भी हम लोग को देख रहे थे कि माशाल्लाह पूरे लड़के और रोड भी पूरा खाली था कि लड़कियां लेकर जा रहे थे। देखो लड़कियां इसलिए लेकर जा रहे थे कि हर चीज जिम्मेदारी, जरूरी नहीं कि एक लड़के के ऊपर जिम्मेदारी होना चाहिए, बेटी आए भाई तो बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है और हम लोग हमारी हर जिम्मेदारी करते। जैसा कि मेरे भी आंख में आंसू आ गए, जाना के भी आंख में आंसू आ गए कि मेरे मेरे अब्बा की याद आ गई, मरहूम की याद आ गई हमारी है ना। और जाना की भी, जाना भी रो रही थी तो हम लोग ने अपना हाथ लगा के सारी चीज तकसीम करे क्या बोलते है बिल्कुल है ना, आती है ना। और सब चीज करते ही हम लोग जितना दुनिया में उतना हम लोग दीन में भी है। तो हमारे जो भाई थे हम लोग ने उनको दिए वो जाकर कब्र के ऊपर डाल देंगे। और बहुत सारे माशाल्लाह गुलाब, वो खुद ऐसा बोलना नहीं चाहिए, देखो छोटा ज्यादा रहे कम रहे ऐसा हम लोग बोल नहीं रहे, पर वो भाई ना 50 से 100 का गुलाब ले रहे थे
हमने सारी चीजें 500 मतलब ऐसा करके पूरा करके लिए, तो भाई भी देख रहे थे हम लोग को। तो ऐसा होना चाहिए हर किसी के अंदर, है ना। पर अभी जा तो सकते नहीं, तो बस किसी के हाथ से पहुंचा गए। फिर रूहानी भी दुआ देती है, क्या बोलते है ना। तो अभी मेरे अम्मी भी आए हुए है, अभी थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, है ना। फिर सहरी का वक्त भी हो जाएगा। कोई भी कब्रस्तान हो, मेरे अब्बू तो सात समंदर पार है, और हमने तो यही सोच के डाले के भाई मिल जाएगा। बाकी हाँ, तो भी रो रही थी तो मेरे को भी रोना आ गया। और बेटियों को बाप का लगता है, माओ का भी लगता है, ऐसा नहीं कि हमारी माँ भी बैठी है, लेकिन हमारी माओ को भी उनका उनकी माँ से ज्यादा उनके बाप का लगता है, तो ऐसा होता है। हाँ, माओ को लगता है जैसा माओ को बेटों का लगता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन माशाल्लाह इतनी रौनक है, इतनी रौनक है, बहुत ज्यादा ही रौनक है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जा रहे, छोटे छोटे बच्चे। हाँ चलो फिर थोड़ा सा बैठते हैं, फिर वो बाद में मिलते हैं। अभी आंटी बैठे हैं और जा रहे अभी हम लोग नमाज पढ़ने के लिए, और मेरे मम्मी भी जा रहे हैं घर पे। ये टीवी को थोड़ा उड़ाएंगे, दुपट्टा टीवी को थोड़ा उड़ाएंगे, है ना, क्योंकि वो नमाज पढ़ेंगे तो फिर दिखता है ना। और बज गया 2:30, है ना मम्मी। चलो संभाल के जाओ। बुखार तो कल भी था, ठंडी इतनी, और देखो मैं छोटी बानी कितनी अच्छी इतनी पारी। तो चलो वजू बना के अभी पहला खड़े हो जाते, नहीं तो फिर आलस आ जाएंगे, है ना। फिर मिलते आप लोगों को। माशाल्लाह हो गई हम लोग की नमाज, इशा भी पढ़ ली और 50 रकात नमाज भी हो गई हमारी। और अभी बैठे हम लोग और जाना ही बैठी है वहां पर। यहाँ पर आंटी भी लेटे है, है ना, क्योंकि अभी जागना तो है फजर तक, क्योंकि नमाज पढ़ के दुआ मांग के सोना है ना आंटी। हाँ। और फिर रोजा भी रखना है। तो कल हम लोगों ने सहरी किए थे, मतलब सहरी हो गई थी हम लोग की, 3 बजे खा के हम लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन अभी खा पी के फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि फिर एक बार कैसा लेट जाओ तो फिर नींद लग जाती है ना। तो जाना थोड़ा सा न्यूज वगैरह देख रही है, तो पीछे आवाज आ रही है आप लोग को लगे कुछ चालू तो न्यूज वगैरह चालू। फिर आंटी लेटे, थोड़ा अभी आंटी भी रुक के पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी रकात बाकी है। हम लोग की माशाल्लाह हो गई 50। पर्चे पे देख के पढ़ते हैं, कोई कोई 2 रकात 2-2 करके नफिल भी पढ़ते हैं, जिसपे जितनी हिम्मत हो, है ना। और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी, बड़ी वाली मेरी पढ़ाई भी कर रही है, उसकी भी हो गई रकात, और वो भी स्कूल की पढ़ाई कर रही, उसके पेपर आने वाले 10th के। और मेरी छोटी वाली भी सो गई, वो भी रोज आती है आज, बड़ी वाली भी, है ना। मेरे मम्मी चले गए 2:30, अभी तो 3:15 कुछ 3:30 हो रहा है। तो देखते हैं अभी थोड़ा बैठते हैं, फिर जैसा भी रहेगा आप लोग को अपडेट तो मिलती रहेंगी। और बाहर भी आवाज़ें थोड़ी बहुत आ रही है, बाकी पहले कैसा तो कोई इंसान जागता है नहीं, और जागती भी तो घर के अंदर। पहले कैसा एक मोहल्ले में रहते तो बाजू में जाके पढ़ रहे हैं, फिर अपने एज के आ रहे तो वो साथ में अपने एज वाले पढ़ रहे हैं। अभी तो अपने अपने घर घर में पढ़ लेते, माशाल्लाह हम लोग तीनों तो आराम से अपना सुकून से पढ़ लिए। चंगू मंगू भी हमारे इधर है, और पहले हम लोग की सोसाइटी में हमारे पहचान वाले भी थे, मतलब अभी भी है, पहले और थे, तो क्या वो लोग भी आके बैठ के पढ़ते ना, शन्नो शन्नन टी के वो। हाँ मैं भी लोग को याद कर रही थी, नमाज पढ़ाओ ना आंटी ऐसा, नहीं तो हम लोग हमेशा, हाँ हम लोग हमेशा 3 जन ही पढ़ लेते घर के अंदर ही। चलो फिर मिलते गाइस थोड़े टाइम से। माशाल्लाह हो गए हमारी नमाज भी, और अभी बज रहा है सुबह के 6। माशाल्लाह वो नमाज पढ़े आप लोगों ने देखे, मतलब मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग में ली नहीं थी, और अभी सब हो गया, नमाज भी हो गई और दुआ भी हो गई, सारी चीजें हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। और रोज़े की हम लोग जो सहरी है तैयारी वो भी हो गई, रोज़ा भी है माशाल्लाह, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ली नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग इसमें नमाज में ही थे, और फटाफट सहरी करके अजान भी हो गई है ना। तो फिर चलो फिर सुबह में इंशाल्लाह जैसा भी रहेंगे आप लोग को बताएंगे ना। बिल्कुल गाइस, तो हो गई हमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी हो गई, और अभी चल रही है इफ्तारी की तैयारी। तो आज हमारे घर में क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, आलू का भजिया, और आंटी ने बनाया स्पेशल लगड़ा मस्त में, सब पीस वीस कर रखे वो। और आज बनेगा इफ्तारी में लगड़ा और आलू का भजिया, है ना, कि बाहर से अभी लेकर आएंगे, तो वैसा रमज़ान की ऐसा स्टॉल लगानी है ना, है ना। तो माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है,
बोले चलो अभी घर पे ही बना देते हैं। सब चल रहा है, काम होगा तो उसके बाद से बनाने लेंगे। बज रहा है 6 और आज भी हम लोग घर पर है, रोज़ा भी और सैलून है बंद। इसके लिए हम लोग घर पर है, देखते जैसा भी रहेगा। और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसा मैंने बोली थी पिछले व्लॉग में कि एक एक चीज़ आप लोग को हम लोग बताएंगे, तो आज जैसा ऊपर का झूमर और ऊपर का वॉलपेपर बताएंगे, तो वो जब हम लोग रात में ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं शूट करके इसमें डाल दूँगी, है ना। तो अभी फिलहाल रोज़ा खोलेंगे, फिर देखते हैं क्या है। थोड़ा सा राम मानने जाएंगे बाहर। क्या बोली जरा जाना क्यों? बिना राउंड मारे चीज़ को जमता कहाँ पर? अच्छा, ये मैं हूँ। अब कोने वाली जाना है। चलो फिर देखते जैसा भी है। चलो देख सकते हैं आप लोग, भजिए, हलवा, सारे फ्रूट्स और आंटी ने बनाए थे लगड़ा, सब रेडी है। फ्रूट काट रहे आंटी, तो चलो फिर रोज़ा खोलने के बाद मिलते हैं। गाइस, तो हम लोग रोज़ा खोल लिए और अभी लेटे आराम से घर में, क्योंकि आज भी कहीं जाने का है नहीं, सैलून बंद है, तो इसके लिए और जाना क्या कर रही है। ये सोफ़ा सिर्फ इसके लिए ही है, ये लेटी, कोई और लेट ही नहीं सकता इसके ऊपर। गलत बात। और मैं तो मस्त में नीचे लेटी हूँ। पहले 9 डिग्री में थी, फिर 12 में, अब 3 हो गई। लाइट वाइट बंद करके मस्त में लेटे हम लोग। सलाम अलैकुम भाई, है ना। सलाम अलैकुम। कभी कभार मजा आता है ना, सब घर पे लेटे सुकून से, आराम से, टेंशन नहीं। एक सेकंड, अभी देखते हैं क्या पका रहे आंटी, वो हिसाब से बैठे हैं हम लोग हमारे सोसाइटी में। और बहुत अच्छा लग रहा है, शाम नहीं रात हो गई है और बच्चे वहाँ पर सब खेल रहे हैं। और जाना को भी एक आवाज़ दिया कि जा दीदी आओ ना, क्योंकि वहाँ कैरम बोर्ड में एकदम मस्त खेलती है। बच्चे लोग बुला रहे, देखो ये झगड़े कर रहे, देखिए लोग झगड़े कर रहे हैं। इधर कैमरा में, हाय कर, इधर 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 इधर, हाय हाय, दिख रहे तुम लोग? हाँ दिख रहा। तू सोसाइटी के बच्चे लोग हैं, सब खेल रहे बाहर। और वो पिद्दी जारा को आवाज दे रहा है कि आओ और मुझे जीता हूँ। और अच्छा लग रहा है एकदम रात का टाइम। तो हमारे सामने ही पैदा हुआ, वो छोटू सा था, बहुत 7 साल हो गए। रिद्दू और रजा, सब जितने भी खेल रहे हैं सब सामने पैदा हुए, छोटी छोटी से, और सब बड़े छोटे सब खेलते सोसाइटी के अंदर। कौन सी सोसाइटी बोलती है उसको? गणेश निकेतन तो है। अरे वो बच्चे लोग वाली नहीं बाबा, तारक मेहता में नहीं क्या? गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी। मजा आता, अपना घर अपना होता है। लेकिन ये सोसाइटी का नाम है गणेश निकेतन सोसाइटी। देखो देखो, अभी जैन बाबा खेल रहे हैं, दोस्त लोग हैं। जैन भाई आओ ना, जैन भाई चलो ना, लड़ रहे, झगड़े कर रहे हैं बच्चे बच्चे। और मेरी गाड़ी है इधर, अगर ये गाड़ी है एक हफ्ते में नहीं बनी, हाँ, तो फाइनली हम लोग इसको बेच देंगे और बेच के फिर लेंगे चीनी के लिए नई गाड़ी। अब वो कौन से लेंगे बताएंगे बाद में, है ना। चलो फिर देखते हैं, अभी अंदर हो रहा है काम, और कोई आया है तो बताती हूँ आपको कौन आया है ना। उसे लग रहा नहीं, लेकिन 10 बज रहा है अभी, कोई मस्त वाला होता। हाँ, और कोई आया भी है तो मैं आप लोगों को मिलाती हूँ गाइस। इससे कौन आया है? सोहेल आया है, सोहेल, है ना। 2 दिन की छुट्टी पे गए थे सोहेल भाई, आप फाइनली खत्म हो गई। चलो अभी आया है, फोन आ रहा है किसी का। अभी बन रहा है हमारे इधर हुक्का बन रहा है मस्त में। बाहर बैठे थे पर हम लोग को आदत नहीं है ऐसे बाहर बैठने की, पर अभी आधा घंटा भी नहीं ना, 15-20 मिनट बैठे थे हम लोग। वैसे ही बच्चे लोग बैठे थे करके हम लोग थोड़ा सा बैठ गए, वरना हम लोग को क्या आदत भी नहीं है ऐसे बाहर बैठने की। मस्त में अपना घर, अपना सोफा, अपना हुक्का, काम वाम होने के बाद है ऐसा भी नहीं, खा पियो बैठो उसी में। लेकिन आज हम लोग कहीं बाहर गए नहीं, घर में ही थे। कल तो ऐसे ही राउंड लगा कर आ गए थे।
तो अभी हुक्का बनता है, देखते कैसा क्या फ्लो है, कौन सा फ्लो है, कैसा है, सब देखकर आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देंगे। तो देख सकते हो गाइस एकदम मस्त फ्लो आ गया है और यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं हमारे चुन्नू मुन्नू। रुको मैं दिखाती हूँ, सिर्फ देखो आप बाहर जाके लोग बहुत चाबड़े हो गए। ये तो कंफर्म हो गया कि इस महीने का देखो एक मिनट रुको। कौन किसका है, किस पे लगा है पैसा, पहले पे जो नीचे लेटा उस पे या खड़ा उस पे? जो नीचे लेटा है मैं तो उसमें पैसा लगाऊंगी, उस पे ही लगाऊंगी। किस पे जो नीचे लेटा है, क्योंकि बहुत बुरा मारते हैं। और ये इसकी अम्मा आ गई, इसकी अम्मा तो बस खाना। और ये आ गया माँ का लड्डू, मम्माज बॉय, मम्माज गर्ल या मम्माज बॉय। और ये देखो क्या पकड़ा, देखो सिर्फ गर्दन, ये देखो, ये देखो देखे। अरे क्यों लड़ रहे तुम लोग, और ये देखो गाइस हमारा शेरू। आप लोग देख सकते हो पिछले ब्लॉग में बताई थी कि ऊपर का वॉलपेपर, और आप लोग को हम लोग झूमर बताएंगे, तो ये देख सकते हो ये भी 3D वॉलपेपर। हाँ, और ये बना हुआ है किंग किंग, देख सकते हो इसका वर्क जैसा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये वर्क ही है। हाँ, इसको आप लोग क्लीन भी कर सकते हो, कितना प्यारा है ना, गोल्डन एंड हाफ व्हाइट में। ये जो डिजाइन है किंग के बाजू में जो डिजाइन है ये वाली, जी जी बताओ, सेम इसके जैसा ही, इससे रिलेटेड ऊपर PVC। हाँ, नीचे ऊपर सेम लगाया और डिजाइन हमने सेम चॉइस की। और ये देख सकते हो झूमर, सबसे फेवरेट चीज, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, किंग किंग किंग। हाँ, वन थ्री लाइट ज्यादा है गाइस, टू हाँ वॉर्म कलर है पूरा, थ्री और ये वाइट है, वाइट है। और नीचे पूरे डायमंड्स जैसा लग रहा है आप लोगों को, मैं बंद करके बताती हूँ, एक सेकंड बंद करो, दिख रहा है नहीं लाइट है, अभी दिख, बंद करो, सब लाइट बंद करो ना, सिर्फ वॉर्म लाइट चालू करो, ये देख सकते हो आप लोग है ना, अभी दिख रहा है। और हम लोगों ने साइड पे पूरा LED लगाया हुआ है। हाँ, और फैन भी एकदम मैचिंग है, सिवा के कर्टन्स बाकी है, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। ये देखो कितना प्यारा है ना ऊपर का, नीचे का भी अच्छा है, बट ये देखो अब आपको क्लीन दिख रहा होगा, मैं इस तरफ से टर्न हुई हूँ, झूमर ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, एक सेकेंड रखो गाइस, अब मैं ऊपर चढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा वो भी काम बाकी है, बहुत से मैंने बताया थी ना काम बाकी है जरा, बिल्कुल। ये देखो वार्म लाइट एकदम, अभी दिखाओ अपने आप, ये देखो और गोल्डन भी है, मतलब तीन कलर है, ये देखो प्यारा लग रहा है ना, और एकदम एक एक पीस है ये, मतलब कांच के, बहुत 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 धूम के हम लोगों ने, हाँ इसका, ये देखो सब। और ये आपको ऐसे टाकी ऊपर की 1200 लीटर की, और ये अंदर पूरा सामान रख सकते है, ये पूरा पैक होता है। हाँ, लेकिन मैं अभी पैक नहीं की क्योंकि, और ही देख सकते, ये भी लंबा स्टोरेज है, स्टोरेज है पूरा सामान है, और मिरर भी बहुत बड़ी है, मिरर भी है, ये भी विंडो है, और देखो गाइस तो देखे आपने कितना प्यारा है, कमेंट करके जरूर बताना, और लाइट की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी, तो आप लोग हमारे इंस्टा के पेज पे भी देख सकते हो, और ब्लॉग पे भी हम लोग ब्लॉगिंग करते तभी भी आप देख सकते हो, पर ऐसा देखने तो बहुत ही क्यूट है, और यहाँ पर हमारी फोटोज है ना, तो रूम भी हम लोग बताएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फुल, और यहाँ का मिरर है, और जैसा कि और लगाएंगे मिरर हम लोग अभी एक, और यहाँ पर सब क्या क्या लगेगा वो भी आपको पता चलेगा, पर्दे कर्टन्स, फिर हमारा बेड, और फिर हमारा वार्डरोब, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, आप लोग को एक एक अपडेट मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ लेकर, दुआ में याद रखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना जरा जमीन को, फिर मिलते हैं, और कैसा लगा हमारा ब्लॉग जरूर बताना कमेंट करके, ये देखो तो हमें याद रखो, अल्लाह हाफिज़।